Wait, students. Okay, now I am sharing the screen again. Okay. Yes. Okay. Let's start. Okay. In the last lecture, we have seen the user control. Okay. User control. हम लोगों ने देखा. Theoretical. Now today we will do the practical for user control. Okay. So first of all, we have to take the user control page. Okay. We have to take the user control page. So how to take user control page? जैसे हम नॉर्मली वी आर टेकिंग दी वेब फॉर्म वैसे वी हैव टू ऐड यूजर कंट्रोल पेज ओके क्लिक ऑन ऐड न्यू आइटम ओके देन एक्चुअली दिस इज अ डिफरेंट वर्जन ओके दिस इज द प्रीवियस प्रैक्टिकल्स वी हैव डन इन द डिफरेंट वर्जन नाउ दिस इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओके नाउ फाइंड हियर यूजर कंट्रोल फाइल हैव यू सीन द यूजर कंट्रोल फाइल Yes, web form user control. Okay, web form user control. Okay, so this is a web user control. The extension of pages .asx. May I audible na? May I audible? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, Nashra. Nashra is there, na? Nashra. Okay. Chalo. This is a web user control 1.asx page. Okay. Now in this page we will make our design that we want to reuse in the different web pages. Okay. In this file .asx extension of this file we make our design whatever design we want to reuse again and again in our web pages that design we can do in this page which page extension of that page is asx user control file okay add it okay now see this is a asx okay user control page hai इन दिस नो एच टी एम एल कंटेंट इधर ओके एच टी एम एल कंटेंट नहीं है ओके एच टी एम एल कंटेंट नहीं है नाउ गो टू द डिजाइन टैब नाउ इन दिस वी कैन डिजाइन वॉट एवर वी वॉन्ट ओके फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर टेकिंग लेबल ओके ऑलरेडी वी हैव डन दिस ओके बट इन द लास्ट लेक्चर सम स्टूडेंट टोल्ड के रिपीट दिस सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस ओके तो प्लीज उसको अच्छे से देखो रिमेम्बर द स्टेप्स ओके आई विल आस्क द स्टेप्स इन द एमसी उसमें वाइवा में ओके यू शुड नो द स्टेप्स क्लियर ओके दिस इज लेबल वन ओके नाउ दिस इज टेक्स्ट बॉक्स वन दिस इज टेक्स्ट बॉक्स टू दिस इज बटन Okay, this is button. Now go to the properties window. Okay. Yes, student. What I am doing? What I am doing? क्या कर रही हूँ मैं बताओ मुझे. This is a revision. Okay, ये revision है. We have already done this. तो बताओ मुझे क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे. Tell me what I am doing here. क्या कर रही हूँ मैं. Yes, I am asking to you. What I am done here, doing here? चलो बताओ जल्दी से. Yes, students. समझ में आ रहा है what I am doing? हाँ बताओ शाहजाद. यहाँ पे करेक्ट होएगा मैम नेम और पासवर्ड करेक्ट होएगा मैम तो वहाँ पे करेक्ट लिख के आएगा तो दूसरा आप दूसरा लेवल लिए हैं यस ओके मतलब आई एम मेकिंग द डिजाइन ठीक है आई एम मेकिंग द डिजाइन ओके जो डिजाइन मुझे रीयूज करना है ओके जैसे हम लोग फंक्शन बना के रखते हैं ठीक है वे यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे हम लोग बना के रखते हैं वैसे मैं क्या बना के रख रही हूँ डिजाइन बना के रख रही हूँ ठीक है यूजर डिजाइन आई एम मेकिंग द यूजर डिजाइन ठीक है मैं डिजाइन बना के रख रही हूँ आई विल यूज दिस डिजाइन इन डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस व्हाई ऐसे क्यों करना ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं बिकॉज समटाइम्स वी नीड द डिजाइन रिपीटेड ओके मतलब इन सम पेजेस वी वॉन्ट सेम डिजाइनिंग एवरी टाइम वी नीड द सेम डिजाइनिंग तो वट वी विल डू कि वी मेक दैट डिजाइन वर्स एंड देन वी रीयूज दैट डिजाइन अगेन एंड अगेन ओके तो वैसे हम लोग करेंगे ओके
तो जैसे आप लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के रखते हो और व्हेनेवर यू वांट, ठीक है, दैट देन एट द टाइम यू कैन यूज दैट डिजाइन, ऐसे ही करते हो ना. तो अब कैसे उसको यूज करते हो, कॉल करके, कहाँ पे कॉल करते हो, इन दी मेन. ओके, एंड फंक्शन कहाँ पे बनाते हो, आउट यूजर डिफाइंड फंक्शन कहाँ पे बनाते हो, आउटसाइड दी मेन. ओके, तो वैसे हमको ये डिजाइन कहाँ पे बना के रखना है, ये डिजाइन हमको कहाँ पे बना के रखना है, इन द यूजर कंट्रोल्स. ओके, इन यूजर कंट्रोल जो डॉट एएसएक्स फाइल है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बना के रखेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, जस्ट आई एम ऑल्सो डूइंग द कोडिंग. कोडिंग भी मैं करूँ कि अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो करेक्ट आंसर डिस्प्ले होना चाहिए. क्या डिस्प्ले होना चाहिए, करेक्ट करके डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसा कुछ तो मैंने कोडिंग कर दिया. ओके, नाउ दिस इज माई डिजाइन इज रेडी. ओके, वेब यूजर कंट्रोल डिजाइन इज रेडी. नाउ आई वॉन्ट टू यूज दैट डिजाइन. ठीक है, ये डिजाइन मैं मुझे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में आई वॉन्ट टू यूज दिस डिजाइन. ओके, तो सपोज दिस इज एक वेब फॉर्म है. ठीक है, ये मेरा वेब फॉर्म है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलेंडर लेके रखा है. ओके ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर, एक वेब फॉर्म मैं ले रही हूँ. एंड डायरेक्टली यहाँ पे वेब फॉर्म इज अवेलेबल, वेब फॉर्म टू आई एम टेकिंग. ठीक है, वेब फॉर्म टू मैंने ले लिया. तो इसमें मैंने कुछ तो टू कैलेंडर ले लिया, चलो थ्री कैलेंडर ले लिया. ओके, तीन कैलेंडर मैंने इसमें लेके रखा है. नाउ वी हैव टू वेब पेजेस, मेरे पास दो वेब पेजेस है, एक तो वेब फॉर्म वन है, वेब फॉर्म टू है. ओके, तो व्हाट आई वांट टू डू कि मुझे, मैंने जो ये कोडिंग किया है, ठीक है, दैट दिस टाइप ऑफ कोडिंग आई वांट इन दिस टू पेजेस. ठीक है, मुझे यही सेम डिजाइन दोनों पेज में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको बार बार नहीं बनाऊंगी, एक बार मैंने बना के रख दिया. इन विच फाइल, डॉट एएसएक्स फाइल में. नाउ अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने यूजर कंट्रोल दैट आई हैव मेड बनाया ना उसको, तो उसको मैं कॉल करूंगी. ओके, कॉल करूंगी, आई विल कॉल दिस डिजाइन. ओके, तो वेयर आई हैव टू कॉल दिस डिजाइन, जो भी पेज में चाहिए, सपोज आई वांट दैट डिजाइन, ये यूजर कंट्रोल वाला जो डिजाइन है दैट आई वांट इन वेब फॉर्म वन में मुझे चाहिए. कहाँ पे चाहिए, वेब फॉर्म वन में मुझे वो चाहिए. तो मैं क्या करूंगी, आई विल गो टू द सोर्स ऑफ दैट वेब पेज. ठीक है, ये डॉट एएसपीएक्स पेज है, मैं उसके सोर्स में जाऊंगी, आई विल गो टू द सोर्स. ओके, तो ये सोर्स सेक्शन में चली गई मैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू हियर रजिस्टर दैट यूजर कंट्रोल. मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूजर कंट्रोल को रजिस्टर करना है. आई हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रजिस्टर दैट यूजर कंट्रोल, जो मुझे यूज करना है इन माई वेब फॉर्म वन डॉट एएसपीएक्स में. इन दैट पेज आई विल रजिस्टर. ओके, क्या रजिस्टर करूंगी, जो मैंने वेब डिजाइनिंग डॉट एएसएक्स फाइल जो है उसको रजिस्टर करूंगी. हाउ टू रजिस्टर, तो यू हैव टू यूज रजिस्टर डायरेक्टिव. कौन सा डायरेक्टिव आपको यूज करना है, रजिस्टर डायरेक्टिव यू हैव टू यूज. ओके, जैसे पेज डायरेक्टिव है वैसे हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज रजिस्टर डायरेक्टिव. ओके, सी जैसे आप लिखने जाओगे ना, व्हेन यू विल टाइप ना, तो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट, ये सब ऑल आर द डायरेक्टिव्स, ये सारे डायरेक्टिव्स है. ठीक है, हमने ऑलरेडी वी हैव लर्न दिस टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज, सो दैट दिस इज अ डायरेक्टरी. ओके, नाउ इन डायरेक्टरी वी हैव टू डिफाइन, सॉरी इन दिस रजिस्ट्री वी हैव टू डिफाइन थ्री एट्रीब्यूट्स. कितने एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, थ्री. द फर्स्ट इज एसआरसी. ओके, फर्स्ट इज एसआरसी. एसआरसी मतलब क्या, here we have to specify our user control file name, जो जिस हमने डिजाइन बना के रखा है, वो जिसमें बना के रखा है वो फाइल का नेम हमको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है. तो what is the name of that file, ये web user control dot asx. okay, this is a name of that file. now I will use the tag prefix tag. okay, tag prefix tag मैं उसको use करूँगी. okay, whatever name you want to give here, you can write here. ठीक है, tag prefix मैंने use दे दिया. then tag name. okay, whatever name you want to give, write here. तो मैं यहाँ पे दे दियो जो भी आपको देना है. चलो student ही देते हैं. ऐसे नहीं कि student ही है, you can give any name. okay, you can give any name. okay, then उसको क्या करना है, we have to close that. ये हो गया, register किया. now अभी क्या करना है मुझे, कि I want to use, ठीक है, I want to use that design on my web page. तो जो web page का designing होता है वो कहाँ पे होता है, body section में होता है. ठीक है, तो क्या करूंगी, suppose मुझे calendar से पहले चाहिए. okay, before calendar I want to display that design. तो here I will use कैलेंडर कंट्रोल मैंने लिया, तो उसका सिंटेक्स क्या है, एएसपी कैलेंडर कंट्रोल. नाउ अभी हमारा जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल का हमने प्रीफिक्स क्या दिया है, यूसी. वी हैव गिवन द प्रीफिक्स, क्या दिया है हमने, यूसी प्रीफिक्स दिया है. ठीक है, यूसी.
यस नहीं आ रहा है वो टेक प्रीफिक्स शुड बी कम ना इट इज नॉट कमिंग मतलब कुछ रॉन्ग है रजिस्टर सोर्स ये बराबर लिखा है ना should come na tag prefix yes syntax is correct na register okay registered kiya maine usko source tag prefix yes any mistake is there student check karo automatically yahan pe aana chahiye na body tag mein theek hai koi baat nahi chalo hum log try kar you see okay our control name is tag name is student हाँ बताओ यस बताओ मेरी स्टार्टिंग में तो आप लिखे हैं मॉड्यूल है ना मैम रजिस्टर के पहले क्या हुआ हाँ क्या बोल रहे हो वो भी लास्ट में लिखना पड़ेगा मैम क्या नहीं लिखा है मैंने मुझे आवाज नहीं आ रही शायद टाइप करो ना चैट बॉक्स में यस शायद मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है टाइप इन चैट बॉक्स Yes. Run it. Server. ठीक है ये मैं कॉपी करूँ. Wait. क्या प्रोसेस हो रहा है पता नहीं ये शायद बताओ आप क्या बोल रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा था रजिस्टर एसआरसी टैग प्रीफिक्स टैग नेम ओके वी हैव रजिस्टर्ड देन वी हैव टू यूज तो सेम वी आर डूइंग ना बेटा भी नाउ इट इज unrecognized tag prefix tag name tag prefix yes shada tell me ma'am jo percent ka aap chart mein kiya hai ma'am ye wala kya yes ma'am wahan pe close kare main likhaunga isko bola wahan pe kya karna hai ha yes ma'am aise karna hai बट यहाँ पे क्या है द स्टूडेंट इज नॉट नोन एलिमेंट स्टूडेंट नोन एलिमेंट नहीं है ओके आ गया सी ठीक है पहले कैलेंडर था हमने उसको क्या किया नाउ ये वाला वेब जो भी था हमने ठीक है उसको रजिस्टर किया इन वेब फॉर्म वन में ओके सी ओके वेब फॉर्म वन में उसको रजिस्टर किया नाउ सेम ओके सेम अभी हम लोग क्या करें वी हैव द वेब फॉर्म 2 वहां पे इन दैट वेब फॉर्म वी हैव टेकन द 3 कैलेंडर ओके नाउ इन दिस वेब फॉर्म वी हैव वी वांट टू यूज दिस डिजाइन ठीक है ये डिजाइन ये जो हमने डिजाइन बना के रखा है उसको हमको यहां पे यूज करना है इन वेब फॉर्म 2 में यूज करना है तो अगेन सेम स्टेप्स ओके अगेन सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो गो टू द सोर्स में जाओ ओके अगेन रजिस्टर करो रजिस्टर किया ओके देन डिफाइन द सोर्स ओके सोर्स डिफाइन किया give the name of your page user control page name de diya then tag prefix okay tag prefix equals to jo bhi prefix you want to give here de do theek hai then again I am repeating ke tag prefix name you whatever name you want to give you can give theek hai main yahan pe isliye de rahi hu kyunki wo mujhe
सेट हो गया, ठीक है. तो यू कैन गिव एनी, आप कोई भी नेम दे सकते हो, टैग नेम यू कैन गिव एनी, टैग प्रीफिक्स नेम यू कैन चेंज. ओके, आप कोई भी दे सकते हो. ऐसे नहीं है कि मैम स्टूडेंट लिखे तो स्टूडेंट ही हमको लिखना है, नो. ओके नाउ, ओके ये मैंने रजिस्टर कर दिया. ओके नाउ आई वॉन्ट टू यूज हियर, ठीक है. थ्री कैलेंडर ऑलरेडी आई हैव टेकन इन दिस वेब फॉर्म. ओके, थ्री कैलेंडर मैंने लेके रखा है. नाउ इन कैलेंडर के पहले मुझे लेना है, ठीक है. कैलेंडर के पहले दैट यूजर कंट्रोल डिजाइन है दैट आई वांट टू डिस्प्ले. ओके, बिफोर द कैलेंडर, तो मैं क्या करूंगी, कैलेंडर से पहले यहाँ पे लिखूंगी. सिंपली क्या करना है, सेम वैसे ही. ओके, मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया. आई विल यूज, ठीक है, मैं यूज करूंगी यहाँ पे. यू सी वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, चलेगा. ओके, ID, okay, whatever ID you want to give. User control 1, जो भी आपको ID देना है, ठीक है. And run at server. Run at server. SERVER. Okay. प्रेस करके क्लोज. ओके, नाउ वी सी आ गया बिफोर द थ्री कैलेंडर, ठीक है. तीन कैलेंडर के पहले हमने सोर्स कोड में उसको रजिस्टर किया कंट्रोल को एंड उसको डिस्प्ले किया, तो हो गया क्लियर यूजर कंट्रोल डिजाइन. ओके, सो लाइक दिस यू कैन कॉल योर डिजाइन अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट पेजेस. ओके, तो दिस इज अ यूजर कंट्रोल डिजाइन. ओके, समझ में आया. Now understand, okay, I am not going to run this because it takes the time. We have already done this practical. तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. तो run करोगे तो ऐसे ही page आपको दिखेगा. तो this is a user control. Okay, चलो now next which control you want to repeat revise? चलो और कौन सा control आपको revise करना है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? Yes. चलो, कोई डिफिकल्टी है कोई कंट्रोल में, देन वी विल रिवाइज दैट. नहीं है, सारे कंट्रोल सब आ रहा है आपको. यू नो ऑल द कंट्रोल्स वेरी वेल. ओके, टेल मी व्हिच आर द रीच कंट्रोल्स. टेल मी फटाक से व्हिच आर द रीच कंट्रोल्स. व्हिच आर द रीच कंट्रोल स्टूडेंट्स, जस्ट गिव द नेम ऑफ दैट रीच कंट्रोल्स. Which are the reach controls? File upload control, calendar control, editor control, multi view. Yes, very good. Navigation controls. Which are the navigation controls? Which are the navigation controls, students? Review control, menu control, or sheet map path control. Very good. Very good. That's good. Okay, बाकी students को answer नहीं देना है. If you know the answer and you cannot give the answer, तो मैं समझूंगी, I will consider कि आपको नहीं आ रहा है. Okay, so please be active in the class. Okay, calendar control that we already learned, you have to remember the properties of calendar. Okay, you have to remember not only calendar, every controls property you must know. Okay, so these are the all calendar property that we have already covered with the practicals के साथ हम लोगों ने cover किया था. Okay, these three are the events of calendar control. With coding के साथ भी हमने किया था. Selected date and today's date display होना चाहिए. That practical also we have covered. Okay, in the previous lectures. So you have to remember. Then file upload control. Okay, if you want to upload any file from the user. Okay, so you can use this control on the registration page or wherever you want to. ठीक है. So file upload control. But in the file upload control, you have to write this code. ठीक है. आपको क्या लिखना है? If file upload 1.hashfile. ओके, अगर फाइल अपलोड किया है तो डॉट हैश फाइल इज अ मेथड ऑफ द फाइल अपलोड कंट्रोल. ओके, यू हैव टू राइट द कोड इन लाइक दिस के इफ फाइल अपलोड 1 इट इज अ कंट्रोल नेम. ओके, इट इज अ कंट्रोल नेम. इफ फाइल अपलोड 1 डॉट हैश फाइल. ओके, अगर फाइल उसने कंटेन किया है कि नहीं, दिस इज अ मेथड ऑफ फाइल अपलोड कंट्रोल. किया है तो फाइल अपलोड 1 डॉट सेव एज, उसको सेव एज करो. ओके, जो पाथ आपको देना उसमें सेव एज करो एंड इन द लेबल में डिस्प्ले करवाओ वो फाइल अपलोडेड करके. और वो साइड में फाइल अगर आपको दिखाना है तो फाइल नेम, अदरवाइज फाइल अपलोडेड करके मैसेज डिस्प्ले करवाओगे
तो भी चलेगा. एंड एल्स अगर नहीं कंटेन किया है तो यू डिस्प्ले द मैसेज लाइक नो फाइल अपलोडेड प्लीज ट्राई अगेन व्हाटएवर मैसेज यू वांट टू प्रिंट टू द यूजर. ओके तो दिस इज अ फाइल अपलोड कंट्रोल यू हैव टू रिमेंबर जस्ट ऑनली दिस ये लाइन आपको याद रखना है ठीक है. तो ये ऐसे यू कैन अपलोड फाइल ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस ओके. वेयर द कोड राइट्स इन द बटन क्लिक इवेंट ओके. कहां पे करोगे बटन की क्लिक इवेंट में यू विल राइट द कोड ओके. Then add rotator, okay? Yes. Why we use this control, add rotator control? What is the use of add rotator control? What is the use of add rotator control, students? Kya use hai add rotator control? Why we use this control? Tell me fast. Student, we have already done with the practicals. मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है सब. Why are you behaving like this? आप ऐसे करो कि जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम ये कंट्रोल पढ़ रहे हैं. Mem. Yes. क्या शाजाद हाँ. Editor control में एक इमेज अपलोड करते हैं तो दूसरा उसी इमेज पे हम एक बार क्लिक करते हैं तो उसको कुछ टाइम देते हैं कुछ टाइम बाद वो दूसरा इमेज डिस्प्ले होता है. यस ओके तो उसका मतलब क्या हो गया एडवर्टाइजमेंट ठीक है. वी आर यूजिंग दिस कंट्रोल फॉर द एडवर्टाइजमेंट. इफ यू वांट टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इन आवर एप्लीकेशन ऑन आवर एप्लीकेशन और आवर वेबसाइट तो वी कैन यूज दिस कंट्रोल ठीक है. एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करवाने के लिए ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा add one file that is the XML file okay. You have to take one file that, which file XML file aapko kaun sa file lena hai XML file okay. How to take this XML file same just add new item mein jaake add the XML file okay. After taking this file in this file you have to add the images okay information whatever images you want to display as the advertisement okay and those images you have to insert in this file ठीक है. तो कैसे इनको insert करोगे see here यहाँ पे देखो in the add rotator control images will be changed each time while refreshing the web page okay. In add rotator control images will be changed जो images हम लोग add करेंगे ना XML file में वो images जो है ना every time क्या होता जाएगा change होता जाएगा okay. Every time the image जो है वो change होगा why because this is advertisement okay. जैसे आप while refreshing the web page kabhi while refreshing the web page the web page refresh kar rahe ho na aap log tab every time the when you refresh your web page every time jo aapka advertisement hai jo image se wo kya hota jayega change hota jayega okay. So uske liye first of all you have to take the xml file pehle xml file ka dekh lete hain theek hai xml file okay. In that xml file you have to give the information about your image jo images aapko dena hai theek hai uska aap log kya karoge usme इंफॉर्मेशन एड करोगे. तो हाउ टू एड वी हैव टू राइट फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट टाइम्स आपको लिखना है देन फर्स्ट एड के लिए ओके. दिस इज फॉर फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड में व्हाट इमेज यू आर मतलब व्हाट इमेज यू वांट टू डिस्प्ले तो वो इमेज का आपको पाथ देना है कहाँ पे दोगे इन इमेज यू आर एल टैग ओके. ओपन राइट द इमेज यू आर एल टैग गिव द नेम ऑफ दैट इमेज एंड क्लोज देन नेविगेट यू आर एल इफ यू वॉन्ट टू नेविगेट through that image okay. Suppose image पे user ने click किया वो advertise पे user ने click किया तो आपको कुछ open करवाना है तो कुछ navigate करवाना है तो you can navigate okay. So through this tag which tag navigate you are it is not compulsory this tag is not compulsory. एक आपको image पे advertise पे only display करवाना उस पे click करने से navigate नहीं होना चाहिए तो you can skip this tag okay. But अगर आपको उस पे image पे click करने से कुछ open करवाना है advertise को और detail में show करवाना है कहाँ पे redirect करवाना है तो you can use this navigate URL okay and give the URL and give the URL then alternate text okay. If in to some problem agar kuch problem ki wajah se agar image display nahi ho raha hai okay server mein kuch problem aa gaya koi bhi reason hai
तो अगर अल्टरनेट टैक्स आपको डिस्प्ले करवाना है ओके तो यू कैन यूज दिस टैक्स अल्टरनेट टैक्स ओके. आप अल्टरनेट टैक्स क्या करोगे what you will write, you will write the navigate URL. Okay, आप navigate URL करोगे, ठीक है? Sorry, alternate text. Okay, अगर suppose कोई image display नहीं हो रहा है, तो उस पे error की जगह पे क्या display होगा? जो भी name आपने specify किया होगा, alternate text आपने specify किया होगा, that text display होगा, ठीक है? Then impression, okay? कितना time के लिए आपको उसको show करवाना है? Okay, seconds में, isn't in seconds. ड्रीम आपका एडवर्टाइजमेंट है यू वांट टू डिस्प्ले दैट एडवर्टाइजमेंट 50 सेकंड्स या तो जो भी सेकंड्स में यू बी राइट ठीक है. अब सपोज 5 मिनट्स के लिए आपको डिस्प्ले करवाना है तो हियर यू हैव टू गिव द टाइम इन द सेकंड्स में आपको लिखना होगा एंड कीवर्ड ओके. वो इमेज का कीवर्ड अगर आपको कर्सर लेके दोगे तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए कीवर्ड सो दैट कीवर्ड यू कैन राइट हियर. सो ऑल आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज बट दिस इज ओनली वन इमेज ओके वन एडवर्टाइजमेंट. अगर आपको साइमल्टेनियसली 4 to 5 एडवर्टाइजमेंट बार बार चेंज करना है ठीक है तो यू कैन यूज मल्टीपल एड टैक्स. कितना एड टैक्स मल्टीपल एड टैक्स ओके विद इन वन एडवर्टाइजमेंट है तो ये मल्टीपल एड टैक्स दिस इज सेकंड एड टैग है ओके. तो दिस इज फॉर सेकंड एड इमेजेस के लिए ये थर्ड इमेजेस के लिए ठीक है ओके. नाउ एक बार हमने ये XML फाइल वी हैव डन ओके XML फाइल हमने बना दिया ओके देन हमको क्या करना है वी हैव टू एड दिस XML फाइल ओके. ये XML फाइल हमको कहाँ पे ऐड करना है हम लोग जहाँ पे आपको जो भी पेज में आपको डिस्प्ले करवाना है एडवर्टाइजमेंट इन दैट एडवर्टाइजमेंट पेज में यू हैव टू टेक फर्स्ट ऐड रोटेटर कंट्रोल. आपको कौन सा कंट्रोल लेना है ऐड रोटेटर कंट्रोल एंड इन दैट ऐड रोटेटर कंट्रोल का जो एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टीज है ठीक है विच प्रॉपर्टी सी एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टी वो फाइल प्रॉपर्टी में यू विल सिलेक्ट दी XML फाइल जो आपने बनाया वो XML फाइल आप क्या करोगे उसमें ऐड करोगे. बस दिस आर दिस स्टेप्स फॉर यूजिंग द ऐड रोटेटर. क्लियर वी हैव ऑलरेडी डन स्टूडेंट्स ओके वी हैव डन 2 to 3 टाइम्स एवरी कंट्री वी हैव डन ओके दिस इज जस्ट रिवीजन. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी अगेन ओके. क्लियर तो दिस इज ऐड रोटेटर कंट्रोल. बाकी कैलेंडर वगैरह ऑल आर इजी दिस इज मेन हां ऐड रोटेटर कंट्रोल ओके. तो दिस इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल. आई कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस.